आपको यूनिफॉर्म कहते हैं, सब यूनिफॉर्म कहते हैं, एमजी साहब को भी दे चुके हैं, सब यूनिफॉर्म कहते हैं, ये सब जिम्मेवारी है यार। पीछे हम इसके लिए दो साल से दौड़े रहे, चोरे चोरे इनकी साथ को भी देखते हैं, बताइए गवर्नमेंट ऑफ स्कीम का लेकर तो 5 बजे कट गया। यही तारीख का 5% 10% पद्धति का जो लेटर आया वो इसी महीने की तैयारी से निर्माण कर दिया गया। ये हमारे बस यहाँ लेकर सकता हूँ उतरे यहाँ से क्या यहाँ से सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने आ जाते हैं यहाँ पर। सर उसी फाइनेंशियल का वही सेम लेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1.6 करोड़ का इजाफा हो रहा है, फाइनेंशियल रिलीज बन चुकी है सर। अच्छा एक सवाल और है सर, 2006 में हमारा पैरामेडिकल का जो है सर्विस स्ट्रक्चर जो हुआ था 2017 में आपने दिया, अब मजीद लिस्ट रेडी कर दी, मैडम ने बहुत मेहनत की, हम अप्रिशिएट करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो कंपनी अथॉरिटी के पास जानी है, आप इसका प्रॉमिस करें कि जैसे ये इमरजेंसी कोविड इमरजेंसी खत्म होती है ये फौरन से आप ये करेंगे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, पहले तुम्हारा 15% मुझे पता है, मेरे को दर्द पता है, सबका दर्द पता है, हम लोग बहुत मुश्किल में, हाथ बंधे हुए मेरे, हाथ बंधे हुए मैडम के, लेकर हाथ छोड़े ना हम आपकी बात प्रेस क्लब चले हमारा कोई बंदा नहीं भागेगा, कोई बंदा नहीं ठीक है ठीक है अगले महीने मिलेगी ना, अगले महीने मिलेगी, सैलरी में लगा के देंगे ठीक है सर, सारे दूंगा ठीक है सर। और हमारे पास थैंक यू क्या बात हुई मेयर साहब ने। अच्छा ये बताएं मेयर से आपकी क्या, मेयर कराची से क्या बात हुई, क्या लॉलीपॉप मिला, क्या हुआ जरा हमें बताइएगा। हमने मेयर के सामने अपनी ये रिक्वेस्ट लाउड लाउड की कि हमारे 3 महीने से हमारे जो है वो चेक रिलीज नहीं हुआ, उसके जवाब में बस उन्होंने ये कहा है कि हम बात कर रहे हैं हमारे पास जी वो नहीं ऑप्शन नहीं है कि हम लोग हमारे पास मतलब मेयर कराची होके हमें ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, मतलब 45 का बिल इशू हो गया और 30,000 भी आप नहीं दे रहे हो तो फिर आप मेयर कराची क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं। अगर उनके पास भी जवाब तो कह रहे हैं कि उनके पास सैलरी नहीं अभी यहाँ पे। सर सैलरी का उन्होंने कहा था कि 1 महीने की सैलरी वो हमें रिलीज करेंगे, उसके बाद सारी सैलरी एक एक हफ्ते में रेगुलराइज होगी। सर कहाँ है सैलरी, हमारी सैलरी की बात है तो सब पीछे हो गए, जब कोरोना जैसी चीज को हम लड़ रहे हैं तो सर आप हमें, हम ये नहीं बोले कि हमें एक्स्ट्रा दो, हम बोलते हैं हमारा हक तो है कि 3 महीने की सैलरी आपसे नहीं रिलीज हो रही है। अर्ज करना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा इसमें आप एग्रेसिव हो, आगे बढ़े और जो फंड आपके पास इस वक्त अवेलेबल है और ही तौर पर इन लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, और जो नहीं है सिंध हुकूमत से आना है या कटौती का इशू है इस पर आप आगे बढ़े, हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं, जहां चलना है जहां धरना देना है जहां, यानी लोगों के मसले में, डॉक्टर्स के मसले में, नर्सिंग स्टाफ का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, इसमें हम सारा इख्तलाफ एक तरफ रखकर काम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कोरोना जो सिचुएशन है बदतरीन सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जो जितना ताबून कर सकता है करें, बालसंपत की तरफ से हमने पहले भी यहाँ पर किट्स वगैरह फ्राहम किए हैं और अभी हम दोबारा आए एक कुछ जेस्चर के लिए हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन ये की है जाहिर है कि हमारा दिल खुल गया हो रहा है, हमारे ये भाई हैं बहनें हैं जो खड़ी हुई हैं, हम इनके साथ हैं और इनके लिए इन शाला फाइट करें, इंशाल्लाह हम इनके इशू के ऊपर मेयर साहब आपको यकीन दहानी करवाएंगे।